पुरुष माध्यम कर्ताओं का ऐलान है कि आप महिला संसद का थोड़ा सा गरिमा रखिए ताकि हम लोग बात एक दूसरे के आमने सामने कर सकते हैं। ये फेसबुक नहीं है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कृपया थोड़ा सा बाजू में हो जाइए ताकि ये संसद अच्छी तरह से चले और बहुत दूर दूर से आई हुई महिला सांसदों को भी अपनी सहभागिता महसूस हो। कृपया जरा बाजू में आइए और इस बाजू में जो भी बात करनी है वो कर दीजिए। जरा हमारे पीछे भी जो आवाज आ रही है थोड़ी सी कम करेंगे तो बहुत ही उपकार होगी। खेती में जो संकट आज आई हुई है इसके खिलाफ सब जगह आंदोलन टूट के आई और इसमें पूरी तरीके से महिलाएं भी भागीदारी है और इसका गवाह है कि यहाँ पे इतने हद तक महिलाएं आई और अपनी आवाज यहाँ पे उठाई और मुद्दे यहाँ पे रखी। सचमुच ये बहुत बड़ी कदम है और मैं यहाँ किसान आंदोलन को ये जरूर बताऊंगी कि कभी महिलाएं इस जंग में पीछे नहीं हटेंगी। महिला किसान ये जो किसान आंदोलन है उसमें भागीदारी निभाएंगी और हमें मालूम है इतिहास हमें बताता है कि जब महिलाएं जंग में जुड़ जाती है तब जीत हमारी होके रहती है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं शुरू करते हुए तीन बातें ठोस यहाँ पे रखना चाहूंगी। एक तो ये कि जो महिलाओं की यहाँ पहचान के बारे में बात हो रही है तो इसमें महिला किसान को कार्ड अलग से उनके नाम पे बननी चाहिए क्योंकि सच ये है कि उनको एक किसान के रूप में अभी पता नहीं है, पहचान नहीं है। तो ये जो है एक आधार उधार टाइप की नहीं, सचमुच जो उनकी पहचान की कार्ड बने अलग से महिला किसान के नाम में बनना चाहिए ताकि कुछ भी हो तो वो वहाँ पे जाके मांग सकती है। खासकर यदि आप करंस देखोगे, करंस का यदि आंकड़े देखोगे महिलाओं को उसमें बहुत कम मिलता है करंस, तो वो उसका एनालिसिस किया जाए और महिलाओं को भी कर्ज देने की जो एक व्यवस्था है उसको जोर दिया जाए और उसको जगह दिया जाए। और तीसरा है जो मैं बात यहाँ पे रखना चाहूंगी ठोस कि आज जो पशुपालक है, पशुपालन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। आज हमें मालूम है कि पशुपालक की स्थिति इतनी खराब हो गई है तो ये जो पशुपालन के अंदर आज जो सरकार मोदी सरकार भाजपा सरकार एकदम सत्यानाश कर रही है उसका हम खंडन करते हुए हम मांगेंगे कि महिला और पुरुष जो पशुपालन जो उस तरह की खेती में वहाँ पे भागीदारी है उनके जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पे जोड़े जाए और लिए जाए। और ये यहाँ जो संसद में हम उठा रहे हैं हम मांगेंगे कि जब ये संसद की अगली सत्र होगी इस सत्र में अगले सत्र में ये पूरे मांगे अंदर में भी वो उठाए जाए तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।